गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे कार्यपत्रक एक कक्षा सात विषय हिंदी शिक्षा निदेशालय की ओर से ये वर्कशीट आपके लिए 7 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो, आज की वर्कशीट बेटा बहुत ही ये वर्कशीट आपकी हिंदी की बहुत ईजी वर्कशीट है। सो, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अपठित गद्यांश है, ठीक है, और उसको आपको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मित्र, सभी बच्चे जानते हैं मित्र क्या होता है। मित्र को पथ प्रदर्शक माना जाता है, यानी हमारा जो है एक तरह से हमें रास्ता गाइड करने वाला, रास्ता बताने वाला, हमारे सुख दुख में साथ देने वाला। हमारे जीवन की उन्नति और अवनति बहुत कुछ मित्र के चुनाव पर निर्भर करती है, अतः मित्र का चुनाव करते समय हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। तो मित्र जो है उसकी हमारी लाइफ में बहुत अहमियत होती है। सच्चे मित्र जो है उनका चुनाव करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी उन्नति और अवनति दोनों में ही हमारा साथ जो है, हमारी उन्नति होगी अवनति होगी उसमें मित्र जो है उसकी भूमिका बहुत ही अहम मानी गई है। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। ऐसे मित्र की हर बात हमें माननी पड़ती है और इससे हमारे चरित्र का क्या होगा, स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे लोगों का साथ भी उचित नहीं है जो हमारी ही बात को ऊपर रखे, यानी इसका मतलब क्या है कि ऐसा मित्र होना चाहिए जो गलत को गलत और ठीक को ठीक कहने की क्षमता रखता हो। ऐसा हो जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, वह भाई बहन के समान सहायक हो, हमारे प्रति सहानुभूति दिखाने वाला हो। जो गुण हम में नहीं हैं वह हमारे मित्र में होने चाहिए। गंभीर प्रकृति वाले मनुष्य को विनोदी पुरुष का संग करना चाहिए, ठीक है। यानी जो जिनकी प्रकृति बहुत गंभीर है उन्हें जो हंसमुख है वो ऐसा मित्र उनका होना चाहिए। निर्बल को बलवान का और महत्वाकांक्षी व्यक्ति को किसी महान व्यक्ति की मित्रता करनी चाहिए ताकि वो उनसे कुछ सीख सकें। मित्र ऐसा चुनना चाहिए जिसके साथ हम अपने गुणों का आदान प्रदान कर सकें। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन दिए गए हैं, मित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सभी बच्चे जानते हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि मित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है। मित्र हमारा जो है पथ प्रदर्शक होता है, जो हमारी उन्नति में सहायक होता है, ठीक है। तो ये आंसर आप यहाँ से लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न दो है, कैसे मित्रों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है। हमने ऊपर पढ़ा ऐसे लोगों का साथ, ठीक है, ऐसे मित्रों का साथ आप लिख सकते हो, ऐसे लोगों का साथ लिख सकते हो, ठीक है। लोगों का साथ करना हमारे लिए लाभकारी नहीं जो हमसे अधिक क्या हों, दृढ़ संकल्प वाले हों, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। तो ये ऊपर भी दिया गया है, यहाँ से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए लाभकारी नहीं है जो अधिक दृढ़ संकल्प के हों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न तीन है, आप अपने मित्र के बारे में लिखिए। तो बेटा आपको अपने मित्र के बारे में लिखना है, यहाँ पे कम से कम 5 लाइनें आप अपने मित्र के बारे में जरूर लिखेंगे। ये आपको खुद से करना है, आपके लिए ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न चार है, निम्न शब्दों के विलोम लिखने हैं। विलोम क्या होते हैं, इनका उल्टा। तो शत्रु का विलोम क्या होगा, मित्र, ठीक है, शत्रु का विलोम होगा मित्र। उन्नति का विलोम क्या होगा, अवनति। हानि का क्या होगा बच्चों, अवनति। हानि का क्या होगा, लाभ। अनुचित का क्या होगा, अनुचित का विलोम होगा उचित। अवगुण का क्या होगा, गुण। सबल का क्या होगा, निर्बल, ठीक है। तो ये जो है विलोम हो जाएंगे। तो ये थी आपकी हिंदी की वर्कशीट, एंड आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।